या आगे मेरे को लग रहा है कोई एक सी बीच होगा और सी बीच के साइड से लंबा एक रास्ता होगा। ये देखिए ये रास्ता, ये उधर से हम लोग आए थे, साइड में मेरी एक्वेरियम वाला सेंटर है। और इधर सी बीच है और सी बीच के साइड से शायद एक रास्ता है। अभी दिखता है कि रास्ता कहाँ तक जाता है, क्योंकि टोटो का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। आने के टाइम में हम लोगों को 100 रुपये लिया, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये सी बीच से हम लोग जा पाएंगे तो पैदल ही चले जाएंगे। इधर एक जंगल जैसा है, मेरे बेटे का बहुत इच्छा हुआ यहाँ जाने के लिए, तो उसको लेके जा रहा है। इधर लोग पिकनिक कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये जगह है। देखिए दोनों तरफ से पेड़ है। अभी मैं सोच रहा था कि दीघा का साइट सीन कैसे करूं, क्योंकि यहाँ का कॉस्ट बहुत ही हाई है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह मिला मेरे को, यहाँ पे मुझे सारा उस जगह का फ्लेवर मिल गया, तो अभी कहीं नहीं जाऊँगा तो भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक जंगल के जैसा है, ठीक है। उधर साइड में सी बीच है, ये देखिए ये चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है और इधर से एक रास्ता है। बहुत ही सुंदर है ये रास्ता। यहाँ पे यहाँ का लोकल लोगों का गाय भैंस ये सब बांध के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई शेर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और जिसके लिए आपको कोई गाड़ी भी बुक नहीं करना पड़ेगा। सी बीच के साइड से एक रास्ता आया है, उसी रास्ते से आते हुए ये एकदम दीघा एक्वेरियम सेंटर जो है उसके बगल में ये जंगल है। और यहाँ का कोई टिकट भी नहीं है, आप आ सकते हैं। ये लोकेशन एक बार देख लीजिए। बहुत ही कमाल का लोकेशन है ये। हाँ बारिश आने का चांस है। मैं दूर से देख लिया था,
मेरे को लगा था कुछ ना कुछ है इधर, सी बीच है। एक नया सी बीच और वो है शायद न्यू दीघा। समुंदर के साइड से जो अभी नया रास्ता बना है वहाँ से चल रहा हूँ। उधर से हम लोग आए हैं एक्वेरियम देख के और यहाँ से होते हुए पैदल हम लोग जाएंगे न्यू दीघा सी बीच तक। आने के टाइम में जानते नहीं थे इसलिए 100 रुपये दे के एक टोटो से आया है, लेकिन अभी पैदल ही जाएंगे। यहाँ पे 3 रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे समुंदर के किनारे से भी जा सकते हैं और ये जंगल के बीच में से एक रास्ता है, आप चाहे तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो 3 रास्ता होगा, चॉइस आपका, जंगल के बीच में से जाएंगे या फिर इस रास्ते से या फिर समुंदर के साइड से।